आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मरुधरा में सैलानियों के सैलाब की। वो सैलाब जो एक तरफ कोरोना का डर लेकर आया लेकिन दूसरी तरफ पर्यटन सेक्टर के लिए बूस्टर डोज का काम भी कर रहा है, यानी कि कोरोना का डर राजस्थान के आकर्षण में खो गया है। देश में राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। लाखों की संख्या में हर दिन पर्यटकों का राजस्थान आना बताता है कि राजस्थान पूरे देश को भा रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का वैभव, यहाँ के महल, बावड़ी, तालाब, बांध, यहाँ तक कि मरुस्थल भी, यानी कह सकते हैं कि राजस्थान का कण कण दर्शनीय है। तभी तो देश में कुल जितने पर्यटक आते हैं उनमें से 20 से 25% अकेले राजस्थान घूमने आते हैं। पर्यटकों पर लगभग 3 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भागीदारी पर्यटन उद्योग की है। और ये साल जाते जाते मरुधरा में सैलानियों की सैलाब को लेकर आया है। हम आपको अलग अलग पर्यटन स्थलों की तस्वीर दिखाएंगे और शुरुआत करते हैं सूर्य नगरी जोधपुर के साथ। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़े हुए हैं। शिवप्रकाश, सूर्य की किरणों से जो जोधपुर जगमगाता है वो सैलानियों की रौनक से जगमगाया हुआ है। अगर बात की जाए दिसंबर महीने की ही, सिर्फ कितने सैलानी आए और जोधपुर में सबसे ज्यादा सैलानी कहां आए? जी विजेंद्र, अगर बात की जाए जोधपुर की तो जोधपुर जिस तरह से हमेशा सैलानियों की पहली पसंद रहा है, अभी हम खड़े हैं जोधपुर के तूरजी के झालरे क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि हालांकि जिस तरह से 5 बजे तक मेहरानगढ़ दुर्ग है वो खुला रहता है, उसके बाद जब वापस पर्यटक निकलते हैं तो रास्ते में यह जगह है, काफ़ी पौराणिक जगह है, यहाँ ऐतिहासिक बावड़ी बनी हुई है, एक फोटोजेनिक जो प्लेस है वो है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट जो भी आता है वो यहाँ फोटो खिंचवाता है। आसपास में कई जो है यहाँ होटल्स और बने हुए गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहाँ भी यहाँ टूरिस्ट रुके हुए हैं। जोधपुर की अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो अब तक लगभग 2 लाख से अधिक टूरिस्ट है वो जोधपुर यहाँ आ चुके हैं और अभी पिछले अगले एक सप्ताह में काफ़ी अधिक टूरिस्ट यहाँ आएंगे। जोधपुर जो टूरिस्ट आए हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं, किस तरह से वो पसंद करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगा है जोधपुर टूरिस्ट प्लेस को लेकर के? मैं और भी जो टूरिस्ट है उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो टूरिस्ट है। सर, आप कहाँ से आए? सर, जोधपुर कैसा लगा आपको टूरिस्ट के हिसाब से? हाँ, गुड, बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से? जी जी जी। देखिए, लोग यहाँ घूमने आए हैं, हालांकि यहाँ के हैं लेकिन सिडनी रहते हैं, उन्होंने यहाँ टूरिस्ट प्लेस देखा है और भी टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आए। कुल मिला के जोधपुर निश्चित रूप से सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। विदेशी सैलानियों की संख्या इस बार काफी कम नजर आ रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो खैर फ्लाइट बंद होना है, लेकिन फिर भी, लेकिन जिस आपने पर्यटन उद्योग से जुड़े सेक्टर्स के लोगों से बात की होगी, क्या ये दिसंबर उनके लिए बेहतर साबित हुआ है? क्या जो सपने वो सजो रहे थे नए साल को लेकर, क्या वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी निश्चित रूप से, अब कुछ देर पहले जब हमने टूरिस्ट गाइड है उनसे बात की थी, होटल व्यवसायी है उनसे हमारी चर्चा हुई, तो उनका ये कहना था कि निश्चित रूप से इस बार 2 सालों से जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अकाल जो टूरिस्ट का यहाँ देखा था, इस बार एक बार वापस पर्यटन उद्योग है वो पटरी पर आया है। उम्मीद हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा की थी लेकिन उस उम्मीद के मुताबिक तो नहीं, लेकिन फिर भी पिछले 2 सालों के मुकाबले काफ़ी अच्छी यहाँ संख्या आई है। जयप्रकाश, वापस आपके पास आएंगे। सूर्य नगरी से अब चलते हैं स्वर्ण नगरी, जहाँ मानिए सोने की तरह महल चमकते हों लेकिन पर्यटकों से गुलजार अपने आप में स्वर्ण नगरी किस तरीके की दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, स्वर्ण नगरी हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, ये दिसंबर क्या कहें कि सैलानियों के जरिए पर्यटन उद्योग के लिए बूस्टर डोज लेकर आया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लोगों के लग गए उसके बाद बूस्टर डोज की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 2 साल कोरोना के अकाल के साथ साथ जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं बूस्ट है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और दिसंबर के अंतिम महीनों में जिस तरीके से नववर्ष आने वाला है तो नववर्ष कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायों के लेके दिवाली लेके आया है। देश के विभिन्न कोनों से स्वर्ण नगरी जैसलमेर सैलानी हैं वो घूमने आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर की तस्वीर दिखाई थी, तो अब हम इस
खड़े हैं जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में, जहां आज सुबह से ही जिस तरीके से भीड़ और रिलम्पेर लगनी शुरू हो जाती है। मैं अपने सहयोगी तन्मय बिस्सा को कहना चाहूंगा, तो सबसे पहले जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर के सोनार किले का दीदार कराए, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में जो इन दिनों है सैलानी है वो यहाँ पर घूमने यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसका दीदार कर रहे हैं, क्योंकि 850 साल से ये सीना ताने हैं, ये सोनार किला है वो यहाँ पर खड़ा है और कहीं ना कहीं जो सैलानी है यहाँ का दीदार करने हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। शाम का वक्त है और शाम के वक्त में जिस तरीके से सबसे ज्यादा भीड़ अभी समय जैसलमेर की सम के धोरों में या अन्य जगह पर है वो होती है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से शाम को भी सैलानी है वो यहाँ पर घूमते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शाम के वक्त भी है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दीदार करते हुए सैलानी है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों नववर्ष का आगमन होने वाला है और नववर्ष के आगमन से पहले कई विशेष तैयारियां हैं वो कर रखी है और इसको लेकर सूर्यवीर वापस मैं आपके पास आऊंगा स्वर्ण नगरी के बाद। अब रुख कर लेते हैं उस जगह का जिसके लिए कहा जाता है कि जो देश में जन्नत यानी कि कश्मीर को ना देख पाए वो राजस्थान में आकर माउंट आबू को देख ले, क्योंकि इसको राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। कमलेश, इस कश्मीर को देखने हर दिन कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? देखिए विजेंद्र, एक सुंदर नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं नक्की झील पर हूँ, नक्की झील के अंदर का जो नजारा है वो निखर कर नजर आ रहा है। चारों तरफ जो बोटें पानी के अंदर चल रही हैं उसमें पर्यटक यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक नजारा दिखाना चाहूंगा कि जहाँ सूर्यास्त हो चुका है उसके बाद जो नक्की झील की जो पाल है उस पाल के किनारे पर देखिए पर्यटक यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक सुंदर नजारा टॉटरॉक का भी दिखाना चाहूंगा कि टॉटरॉक पर जो लोग हैं माउंट आबू जो सुंदर वादियां हैं उसका आनंद लेने के लिए माउंट आबू रुक करते हैं। और पर्यटकों के आंकड़ों की बात की जाए तो तकरीबन 8 से 10 हजार पर्यटक इस शनिवार को यहां पर पहुंच चुका है, तो आने वाले जो दिन है विजेंद्र वहां पर पर्यटकों की तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी। मेरे साथ यहां पर कुछ लोग हैं। सर कहां से आए आप? सर मैं आया किशनगढ़ से। कैसे किशनगढ़ में कैसा नजर है और माउंट आबू में कैसा नजर के हिसाब से? तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है, वहाँ पे ऐसा कुछ खास देखा नहीं गया। यहाँ जैसे आए हम लोगों को मालूम पड़ा बहुत अच्छा 31 का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उसके अनुसार भीड़ बहुत अच्छी पड़ रही है। हम लोग यहाँ नक्की का आनंद लेते हुए बहुत ही मजा आ रहा है हमें। देखिए विजेंद्र, यहाँ पर जो टूरिस्ट है चारों तरफ हम देख सकते हैं, जो झील का जो बोटिंग के स्थान पर हम खड़े हैं वहाँ पर पर्यटक है, और जो माउंट आबू के तमाम जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर भी पर्यटकों की रेलम पेल देखी जा रही है। तो जो आने वाला नया साल है उसको लेकर के माउंट आबू में खास तैयारियां की गई है, और पर्यटन के लिहाज से जो यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था है यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी उसको लेकर के मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मांगेलाल जी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मांगेलाल जी, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या आकर्षण के केंद्र रहेंगे इस बार जो 31 को लेकर के? 31 को लेकर के सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास आ रहे हैं, ये एक हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है और एक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो मुझे लगता है 29, 30 और 31 को जो प्रोग्राम होने वाले हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं नक्की लेक में बोट रेस भी होगी, सितुलिया प्रोग्राम भी है, घोड़ा रेस होगी, महिला मटका फोड़ है, महिला मटका रेस है, रस्सा कस्सी है, और जगह जगह जैसे टोटरोग हुआ, हनीमून पॉइंट हुआ, दलवाड़ा हुआ, गुरुशिखर हुआ, सभी जगह प्रोग्राम रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ये तमाम लोग यहाँ ने व्यवस्थाएं कर रखी है कि आने वाला जो टूरिस्ट है उसको एक नया लुक यहाँ पर मिल सके, नया फील मिल सके, जो नए साल का स्वागत है विजेंद्र वो अलग अंदाज में कर सके। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से स्वर्ण नगरी का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सूर्यवीर जुड़े हुए। सूर्यवीर, हर दिन कितने सैलानी आ रहे हैं इस वक्त स्वर्ण नगरी में और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र क्या है? जी विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हजारों की संख्या की तादाद में है वो देश के विभिन्न कोनों से है वो सैलानी पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो फ्लाइट स्टार्ट हुई है तो फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग को है वो बहुत बड़ा बूस्ट लगा है, क्योंकि वीकेंड का दिन आते हैं और अभी सर्दियों की भी छुट्टियां चल रही है, तो सर्दियों में छुट्टे में काफ़ी तादाद में सैलानी है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दीदार करने पहुँच रहे हैं, देश के विभिन्न कोनों से पहुँच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पर्यटन विभाग को ग्रहण लगा हुआ था कई सैलानियों को
जागरण लगा हुआ था, पर्यटन स्थल सूने दिखाई देते, अब पैर रखने की जगह तक है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में नहीं मिल रही है। शाम होते होते सन के रेतीले धोरों पर और जो है वो एकदम पार्टी जैसा माहौल दिखाई देता है। शुक्रिया सूर्यवीर तस्वीरें दिखाने के लिए, शिवप्रकाश आपका भी और कमलेश आपका भी शुक्रिया। राजस्थान जिसकी रीढ़ की हड्डी पर्यटन स्थल है, वहां पर सैलानियों का सैलाब नजर आ रहा, और ये पर्यटन उद्योग के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक